हेलो, नमस्कार दोस्तों। मॉम्स किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे शिमला मिर्च और प्याज से बहुत टेस्टी सब्जी। तो आइए देखते हैं हम सब्जी इसका कैसे बनाते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो देखिए, 3 शिमला मिर्च ले लिए हम और 2 प्याज ले लिए। इसे हम कट कर लेते हैं। आपको मन चाहे शेप में काट सकते हो, आपको जैसे शेप पसंद है काट सकते हो। तो हमें इसे काटना है। प्याज को काट लेते हैं। इसे हमें पतला नहीं काटना है। ये हमारा हो गया है। अब इसे हम छोटा छोटा काट लेते हैं क्योंकि इसे हमें तड़का लगाना है। इसमें हमें एक ही टमाटर लेंगे दोस्तों, खट्टा ज्यादा हो जाएगा, दही भी पड़ेगा इसमें। तो हम ये काट लिए हैं। लहसुन अदरक को हम कूटेंगे, नहीं तो आपके पास पेस्ट है तो वो डाल सकते हो। इसे हम दरदरा कूट लेंगे। कूटने से स्वाद थोड़ा अच्छे से आता है इसका, लहसुन अदरक का। तो हम पूरा साफ कर लिए हैं। अब इसमें हम अदरक लहसुन कूट लेते हैं दरदरा। कितना अच्छे से कूट गया है। तो हम कढ़ाई ले लेते हैं। आपको नॉनस्टिक है तो कोई नॉनस्टिक है नहीं तो कोई भी कढ़ाई ले सकते हो आप। थोड़ा सा हम ऑयल डाल देते हैं, ज्यादा नहीं डालेंगे, बस इसे हमें फ्राई करना है थोड़ा। तब तक हम एक कटोरी में दही ले लेते हैं, ज्यादा नहीं, खट्टा होना चाहिए। और हम इसमें धनिया पाउडर मिक्स करके रख देते हैं। इसको हम फेंट लेते हैं अच्छे से। फ्रेश दही अच्छा रहेगा और खट्टा दही नहीं, ज्यादा खट्टा हो जाएगा तो बहुत खट्टा हो जाएगा क्योंकि ये टमाटर भी इसमें पड़ रहा है। इसलिए दोस्तों ज्यादा खट्टा दही नहीं लेना हमें, आप फ्रेश दही का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया है। अब इसमें हम सब्जियां डाल देते हैं, फ्राई कर लेते हैं। ज्यादा नहीं पकाना इसे हमें, बस हल्का थोड़ा कच्चापन इसका निकल जाए, बस उतना हमें चाहिए। इसके बाद तो सब्जी में थोड़ा जाएगा पानी में तो थोड़ा पकेगा मसाले में, इसलिए हमें ज़्यादा इसमें नहीं पकाना है। इसलिए हम इसमें तेल ज्यादा नहीं डाले हैं क्योंकि ऑयल ज्यादा हमें नहीं चाहिए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं।
कलर बहुत अच्छे से आएगा। इसे निकाल लेते हैं दोस्तों, हमें ज्यादा इसे नहीं पकाना है, बस इतना तक इसे हमें पकाना है, नहीं तो ये गल जाएगा। तो देख ही सकते हो कितना अच्छे से कलर आया है, जैसे हम पनीर में ऐसे फ्राई करके डालते हैं चिल्ली पनीर में, तो ऐसे हमें चाहिए। इसमें थोड़ा तेल डाल देते हैं, थोड़ा सा राई डाल देते हैं, थोड़ा सा हम खड़ा धनिया डाल देते हैं त्रस करके, लहसुन अदरक जो हम पीस के रखे थे अभी से हम डाल देते हैं इसमें। अब इसमें हम प्याज डाल देते हैं जो बारीक कट करके रखे हैं, ये भी इसी के साथ भून जाएगा। अब इसमें हम टमाटर डाल देते हैं जो कट करके रखे हैं, अभी इसे हम छोड़ देते हैं, थोड़ा गल जाएगा टमाटर, तभी हम मसाले डालेंगे। बस 5 मिनट के लिए ढक देते हैं सील करके। इसे हम खोल देते हैं, थोड़ा नमक डाल देते हैं दोस्तों क्योंकि जल्दी गल जाता है नमक डालने से, इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, जल्दी टमाटर गल जाता है इसलिए थोड़ा नमक डाल दिए हैं। दो मिनट लिए फिर ढक देते हैं हम। इसमें हम मसाले डाल देते हैं, अभी धीरे धीरे गल जाएगा दोस्तों। ये हल्दी पाउडर हमारा है और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक जाएगा, थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा इसमें, धनिया तो हम डाल दिए इसमें दही में, तो धनिया नहीं डालेंगे, इसे हम थोड़ा पका लेते हैं। अब इसी में हम बेसन 1 चम्मच डालेंगे, एक साथ भून जाएगा, तो 1 चम्मच हम भर के बेसन डाल देते हैं। तो बेसन को हम अच्छे से भूनते हैं ताकि कच्चापन निकल जाए बेसन का।
गैस को हम धीमा कर देते हैं, इसको हम 2 मिनट के लिए बंद कर देते हैं। ढक्कन को लगा दिए, पक जाएगा बेसन हमारा। तो हम खोल के देखते हैं, इसमें हम दही डाल देते हैं दोस्तों। ये जो हम धनिया पाउडर और दही डाल के रखे थे फेंट के, अब इसे हम डाल देते हैं। इसको हम चला लेंगे अच्छे से। तो इसमें हम मलाई रखे हैं, फ्रेश मलाई है जो कि सुबह का मलाई है, तो इसमें हम थोड़ा 2 चम्मच डाल देते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको हम चला लेंगे अच्छे से। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं, पक जाएगा मसाला हमारा। स्लो कर देते गैस धीमा। तो हम सब्जी देख लेते थे, तो देखिए कितना अच्छे से मसाला छोड़ दिया है। अब इसमें हम पहले इसको पका लेते हैं, पानी डाल देते हैं इसमें। ज्यादा पानी नहीं डालेंगे इसे में हम। अब इसमें हम तब तक उबाल आने देते हैं। अब हमारा ये मसाला उबाल आ गया, तो इसमें हम डाल देते हैं शिमला मिर्च। बस इसे हम पकने देते हैं, इसे ढक देते हैं। क्या सब्जी बना है देखिए कितना अच्छे से। अगर ये हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो ट्राई जरूर करिए, बहुत टेस्टी लगता है। तो धन्यवाद।